गोरखपुर सीट के लिए गठबंधन और बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिपराइच और सहजनवा में रैली कर योगी और बीजेपी पर जमकर हमला बोल दिया। अपने पुराने अंदाज में अखिलेश ने योगी को ठोकीदार बताते हुए कहा कि चौकीदार के साथ ठोकीदार को भी हटाना है। बताओ, जानवरों की वजह से आपको चौकीदार बनना पड़ रहा है कि नहीं बन रहा है? खेत रखवाली करने के चक्कर में खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है हमारे किसान को, गरीब को रखवाली करनी पड़ रही है। और ये जो आवाजें हम सुनाई दे रही है, जरा चौकीदार वाली बातें, अगर जान गए हो तो बताओ चौकीदारों की चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे? और अकेले चौकीदार से काम नहीं चलेगा, उत्तर प्रदेश में एक ठोको नीति चलाने वाले भी हैं। ठोको नीति उन्होंने कहा सदन में कि अगर कानून व्यवस्था ठीक करनी है तो ठोक दो, और पुलिस को पता ही नहीं किसको ठोक दे रहे हैं। कोई आया उसको ठोक दिया पुलिस के लोगों ने, हमारे शिक्षा मित्र गए होंगे अपनी मांग लेकर के, इन्हें भी ठोक दिया। बताओ यहाँ पर शिक्षा मित्र ठुके थे कि नहीं ठुके थे? रोजगार सेवक गए होंगे वो भी ठुक गए होंगे, कोई नहीं बचा जो न ठुका हो। बताओ ठोका गया कि नहीं ठोका गया? इसलिए हम कहना चाहते हैं कि केवल चौकीदार नहीं, एक ठोकीदार को भी हटाना है। बताओ ठोकीदार हटाओगे कि नहीं हटाओगे? अखिलेश ने कहा कि स्वच्छता के अभियान के नाम पर बीजेपी जनता को ठग रही है और इनका भाषण शौचालय से शुरू होकर शौचालय पर खत्म होता है। लोकसभा का चुनाव, गोरखपुर लोकसभा का चुनाव आखिरी चरण में होने जा रहा है, और कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ध्यान से भाषण सुनना, कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ध्यान से भाषण सुनना। इनका भाषण शौचालय से शुरू होता, शौचालय में ही खत्म हो जाता है। और कैसी सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, क्या फैसला लिया बताओ? पहले एक गड्ढे का शौचालय बनता था, और अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दो गड्ढे का शौचालय बना रहे हैं। न पानी पहले मिला शौचालय में, और न पानी आज शौचालय में है। बताओ बिना पानी के शौचालय कैसे जाएगा, वो ये बताओ हमें। और शौचालय बनाने में भी भ्रष्टाचार, बेईमानी बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर बेईमानी। और याद कीजिए, इन्होंने स्वच्छता का अभियान चलाया, स्वच्छता का अभियान, ये बीजेपी के लोग दिल्ली से लेकर के पूरे देश में स्वच्छता का अभियान चला रहे हैं। और अभी तक जो चरणों में जानकारी मिली है, पहले चरण से लेकर के पांचवें चरण और छठवें चरण में आपके बगल में चुनाव होने जा रहा है, जिन्होंने स्वच्छता का अभियान चलाया है उन्हें उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश से सफाया कर दिया है। वहीं गोरखपुर में विकास की जो बातें योगी करते हैं उस पर कटाक्ष करते हुए अखिलेश ने कहा कि यहां जो एम्स बन रहा है वो समाजवादी पार्टी की देन है। साथ ही अखिलेश ने बीजेपी पर नोटबंदी और जीएसटी जैसे गलत फैसले को जनता पर थोपने का आरोप लगाया। जिन्होंने कहा था कि नोटबंदी हो जाएगी, छोड़ देंगे, पैसे वाले भारत छोड़ देंगे,
कारखाने लगाने वाले अगर कारोबार करेंगे तो हमारे गरीबों के लिए जीवन में कुछ खुशहाली आ सकती है। इन्होंने खुशहाली को रोकने का काम किया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी गठबंधन से घबरा रही है, लोगों को रोजगार नहीं दे रही, साथ ही रोजगार के नाम पर पकौड़ा बनाने का काम दे रही है। इन सब बातों को लेकर अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। गोरखपुर सीट पर 19 मई को चुनाव होना है। दशकों तक यह सीट बीजेपी के पास थी, लेकिन उपचुनाव में ये सीट गठबंधन ने जीत ली। हालांकि इस चुनाव में यहां से सांसद प्रवीण निषाद बीजेपी के टिकट पर संत कबीर नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। गोरखपुर से रुद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।